विधि सम्मत कोई चीज नहीं बनाया गया। इस संविधान में उल्लेखित है कि राज्य स्तरीय ऐसे कानून कि वहाँ के जनहित में जल जंगल जमीन स्थानीयता रिजर्वेशन ऐसे मामले में जो विधानसभा से पारित होता है उनको केंद्र सरकार के यहाँ भेजी जाती है और वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के 9वें अनुसूची में 9 शेड्यूल में से लिपिबद्ध हो जाता है। लेकिन आज तक ना तो 371 का कोई कानून इस राज्य में बना के इस संविधान में सूचीबद्ध किया गया, ना तो भारत का संविधान में 9 शेड्यूल में किया गया। और तो और विधायक लोगों को विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 210 में प्रावधान है कि माननीय विधायक सदन में अंग्रेजी और हिंदी से अगर परहेज करते हैं और अपने मातृभाषा से अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो भारत का संविधान 210 में इजाजत देता है कि अपना मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकता है। भारत का संविधान में 210 में है। ये भी इन 11 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव झारखंड हुआ कि आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कोठा में विधायक नहीं बोला, कोई संथाली में नहीं बोला, कोई मुंडारी में नहीं बोला, पंच परगना में बोला। झारखंडी भाषाओं को अवहेलना करने का आरोप इन निर्वाचित विधायक पे लगता है। और तो और इस संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 350 में द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरीली। और यही कानून लग के बंगाल में 1905 में बंगाल बना, केजी टू पीजी बांग्ला में पढ़ाई, वहाँ कहीं भी ढूंढने से हिंदी नहीं मिलेगा। और यही प्रावधान 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना, उड़ीसा में उड़िया में केजी टू पीजी तमाम सरकारी थाना में पुलिस में उड़िया ही उड़िया है, वहाँ हिंदी नहीं है। यहाँ हिंदी क्यों थोपी गई 22 वर्षों में? हिंदी राष्ट्रभाषा है, आदिवासी मूलवासी का भाषा, झारखंडी का मातृभाषा नहीं है। हम कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदी सबकी मातृभाषा होती तो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं हिंदी नहीं है। तो ये राजपथ चलाने का नियम नहीं है। दूसरी बात है भाषा नीति नहीं बनाना, नियोजित दिन नहीं बना। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध इस संविधान में है, आर्टिकल 371D में है। कहा गया है कि जितना भी सिविल सर्विस स्टेट जैसे झारखंड पब्लिक सिविल सर्विस में टॉप टू बटम, नॉट थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड, आंध्र प्रदेश में जो वहाँ की मूल निवासी है केवल आंध्र प्रदेश के मिलेगा, ना गुजरात को मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये झारखंड सबके लिए फाटक खुला हुआ है क्या? बिना दरवाजा का घर झारखंड है, बिना गेट का ये झारखंड है, सबके लिए ओपन है क्या? झारखंड पर झारखंडी, हुआ झारखंडी, कौन मूलवासी? ये आज ये लड़ाई के बाद क्या रणनीति बनेगी? मैं संविधान के बात को कहा, यानी आज तक नीतिगत फैसला 22 वर्षों में नहीं हुआ, ये विडम्बना है, आश्चर्य की बात है। हम युवा पीढ़ियों को अपील करना चाहते हैं, मेरे बारी थी 1986 से 89, मैंने 3 साल का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन खुद बनाया और 3 साल के अंदर में 20,000 सेना तैयार किया और आज 72 घंटा झारखंड बंद, 3 दिन में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर एंड बूटा सिंह एंड पी चिदंबरम एंड संतोष मोहन देव ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर और बंगाल के ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के जेबी पटनायक चीफ मिनिस्टर और उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार के जो है सत्येंद्र नारायण सिन्हा चीफ मिनिस्टर। 89 में मैंने 4 मुख्यमंत्री से मेरे लीडरशिप में दिल्ली में वार्ता की और मैंने 50 साल का इतिहास को दशा बदल दिया, दिशा बदल दिया, काया पलट किया। यही सूरज सिंह बेसरा जो एग्रीमेंट किया और विधानसभा में लालू ने जब ललकारा अभिभाजित बिहारे मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, रिश्वत 1 करोड़, परिषद ले लो, रिश्वत ले लो, मैंने रिश्वत को ठुकराया, परिषद को ठुकराया और 5 साल का विधायक, 1990 में मैं विधायक चुना गया था। हिस्ट्री, इतना वोट नहीं मिला आज़ादी के बाद, वही सूरज सिंह बेसरा घाटशिला से इतना वोट से एकमात्र आईसू का MLA और लालू के विधानसभा 324 MLA बीच में मैं सदन अकेले चलने नहीं दिया और अंततः गतवा बोला बिहार टुकड़ा नहीं होगा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। और मैंने अपने कुर्सी को लात मारा और विधायक पद को इस्तीफा देने वाले आज
मैं किंग बनना नहीं चाहता हूँ, ये वर्तमान ये किंग बेकार है और मैं किंग मेकार बनना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन ये किंग बेकार है, इसीलिए सूर्य सिंह बेसरा किंग मेकर बनना चाहता है। मैं नौजवान को सामने करके उनके हाथ में 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलने का सपना देख रहा हूँ, झारखंडियों का तकदीर बदलने का सपना देख रहा हूँ। एक टेन फैक्ट जानकारी देना चाहता हूँ, मैं उनको मार्गदर्शन दे, मैं नेता नहीं। 40 साल पहले मेरे किताब है, ये 40 साल में मैंने रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान में अलग राज बनाने का। छात्र नेता के रूप में मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एमए पास एलएलबी एमएलए बनना, राइटर एंड फाइटर, 1 to Z तक संविधान का रटा हुआ चीज है। इसीलिए आज नीति बनाना होगा और नीति बनाना पड़ेगा, इस नीति बनाने से मैं इनको गाइडलाइन बना रहा हूँ। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे नेता बनाना है, नेतृत्व क्षमता देना है। जब तक युवा पीढ़ी जो दागी ना हो न बागी नहीं हो, 99% 22 साल के अंदर में यहाँ के एमएलए एमपी बिकाव है। सांसद रिश्वत कांड 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंक्लूडिंग शिबु सोरेन 3.5 करोड़ रुपया में झारखंड को बेचा, और जितना भी यहाँ का पीआईएल हुआ है 500 करीब पीआईएल झारखंड हाईकोर्ट में हुआ। आय से अधिक धन संपत्ति में अभी हाल में एक तो विधायक जी उस पर हो गया और विधायक की जाएगी। तो बात यह है कि जिनको चुना वही बिक गया और जिनको विश्वास किया वो कोई काम का नहीं आया। इसीलिए हमको लगता है आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जयप्रकाश नारायण को कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करता, 2.5 साल तक देख लिया, इनमें पारदर्शिता नहीं, दूरदर्शिता नहीं, नियत नहीं है, नीति नहीं है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का अपील करता हूँ और नया जवान को जिन बोलता हूँ कि आने वाला दिन में बागडोर को ऐसा चेंज कर दो, असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्लो महंतो कुंवरों की सरकार बना। आप आओ नौजवान, झारखंड का भविष्य आपके हाथ में है, तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा। मैं नीतिगत आगे क्या रणनीति बनेगा वो डिपेंड करता नौजवान पर, मैं उनको मार्गदर्शन देते रहूँगा। मैंने घोषणा किया और आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं आने वाला कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी मेरा सैक्रिफाइस होगा। आने वाला ना विधायक ना एमपी झारखंड से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई भी मंत्री से पद का मैं ललायित नहीं हूँ। मैं नौजवानों को नया लीडरशिप में ऊर्जा दूंगा और नेतृत्व प्रदान करूंगा। इसे जनता मेरे ऊपर क्या या पार्टी क्या करेगा, बीजेपी को रिजेक्ट किया, 85 का स्थानीय नीति बनाया, जनादेश नहीं मिला, ये 32 का खतियान को स्थानीय नीति नहीं बना, हेमंत सोरेन जेएमएम इसको भी जनादेश साफ कर देगी। तीसरा विकल्प बनाने की जरूरत है झारखंड में, तीसरा विकल्प बीजेपी गठबंधन में नहीं, जेएमएम गठबंधन नहीं, तीसरा विकल्प क्या होगा ये संकल्प नौजवान को लेना होगा। मैं नीति निर्धारण नहीं कर सकता है, नौजवान एकजुट हो आगे चले यही मेरी शुभकामना है। नहीं, बातें हैं कि जेपी आंदोलन 74 में हुआ, 77 में जनता पार्टी बना, सत्ता परिवर्तन हुआ, असम में ऑल असम स्टूडेंट यू लड़ा, असम गण परिषद बना, सत्ता में आया नौजवान स्टूडेंट, उसके बाद लोकपाल विधेयक में अन्ना हजारे अनशन किया, अरविंद केजरीवाल कमान संभाला, आम आदमी पार्टी बना। तो कहने का मतलब है केवल एक मुद्दा पे हंगामा खड़ा कर देना, केवल एक मुद्दा पे आवाज बताना और विकल्प नहीं देंगे तो आखिरकार जनता बीजेपी को हराया, इस बार जेएमएम के खिलाफ जनता है तो तीसरा विकल्प तो बना, तत्काल तो नहीं बनेगा, तत्काल तो हम घोषणा नहीं करें। इसके लिए 1-2 दिन 3 दिन चिंतन मंथन शिविर होगा, अगला तिथि कब होगा, जितने अग्रणी नेता हैं पुराना और नया समान विचारधारा एक बैनर तले आएंगे। अभी तो सेंट्रली झारखंड समन्वय समिति बना चुके हैं, छोटे मोटे जो दल संगठन है क्षेत्रीय स्तर पर उस बैनर पे आंदोलन चलेगा, कार्यक्रम चलेगा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर झारखंड समन्वय समिति बड़ा छत्र छाया होगा। बाहरी और भीतरी की बात होती है, सवाल ये है कई लोग बोल रहे हैं कि कई ऐसे चेहरे हैं आज आप भले ही बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोग जो राजनीति में है
ये भी बोलते हैं कि सूरत सिंह बेसरा चुनाव जीत भी नहीं पाएंगे। गीता सिंह उरांव जो कि इनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में था, ऐसे ऐसे लोग युवाओं के आंदोलन का जो है सहारा ले रहे हैं, तो ये युवाओं को भी आप लोग जोड़ नहीं पा रहे, तो क्या यही वजह है कि आप अब जो है किंग मेकर बनने की भूमिका में आ गए हैं और अब आप ये बोल रहे हैं कि युवाओं को नहीं, युवाओं को कैसे नहीं जोड़ पा रहे हैं? आज तीर्थनाथ आकाश आया हुआ है, आज देवेंद्रनाथ महतो आया हुआ है, विकास महतो आया हुआ है। नहीं, अरे सब लोग आज का मीटिंग में आना था, लेकिन पहले ही बुक हो चुका है, रैली में, मीटिंग में, सभा में आग लगी हुई है झारखंड में। ये भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। तमाम युवा शक्ति, हम चाहते हैं कि पुराने जो लोग चुनाव लड़े होंगे उनको बात करके नया पीढ़ी, नया जोश, नया मैंने खून, इसको सामने आना होगा और तब कुछ बदला हो सकता है। और मेरे काफ़ी संभावना है, तीसरा विकल्प आज नहीं तो कल 2024 तक यही आंदोलन का उपज एक राजनीतिक समीकरण ध्रुवीकरण होगा। सूरज सिंह बेसरा है, कभी मौका मिलेगा? नहीं, अरे अलग राज बनाने वाला को सवाल कर रहा है, आपका फायदा ही नहीं हुआ होगा उस समय। अरे मैं एक साल पांच महीना विधायक थे, किस पागल कुत्ता ने काटा था मेरे को? लालू ने बोला 1 करोड़ दो, शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया दिया, वो ले लिया, घुसकांड में कलंकित किया झारखंड की राजनीति को। मैं त्याग दिया हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ, टेबल टॉक किया, एग्रीमेंट किया, राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड किया हूँ 89 में। आप उसे सवाल पूछ रहे हैं कि नौजवान मेरे को विश्वास नहीं कर रहे हैं? बेसरा जी आपके ऊपर थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, आपको तो बोल रहा हूँ कि आपने अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, बाकी और जो चेहरे हैं उनसे युवाओं के भीतर अब मन में उनके सवाल उठ रहा है, कहीं हम लोगों के आंदोलन के आधार पे अपनी राजनीति का संकल्प, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जैसे एक युवा नेता के रूप में आजसू पार्टी सुदेश महतो मेरे ही आजसू को हेजक करके आजसू पार्टी बना लिया, पार्टी बनाया, प्रो पार्टी बनाया और क्या क्या बनाया। इस आंदोलन में सुदेश महतो जैसा आदमी दोहरी नीति के राजनीति खारिज हो चुका है, पहली बात है। दूसरा, ये लोग कितना एक्सेप्ट करेगा, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ केवल जिनको एक बार भी मौका ना मिला हो, नया खिलाड़ी, ब्राजील अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप खेलता है तो वही जर्सी रहता है सैम्बुल, लेकिन युवा खिलाड़ी रहता है। हमारा कहना है इस बार जो 2024 में खिलाड़ी होगा, इसमें ना दागी हो, ना बागी हो, ना कभी चुनाव लड़ा हो, ना दल बदलू हो, बिल्कुल फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। मिश्रा जी, कई लोग ऐसे जो आंदोलन कर रहे हैं वो अलग रास्ते पे चल रहा है, आपकी बैठक थी उसमें कई लोग नहीं आए, एक जयराम महतो जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, राज्यपाल से मिलने गए थे, उनको जानकारी भी नहीं है बैठक की, जबकि आप बोल रहे हैं कि सबको एक सूत्र में, सारे लोगों को अपील किया गया कि इनकी सुविधा कोई दुविधा है, किसी को सुविधा मिला वो आए, कोई दुविधा हुआ नहीं आए। हमारा मकसद है सबको एक सूत्रों में बांधना, एक बड़ा अम्ब्रेला में आके काल के दिन में चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, जेएमएम को तो सत्ता से हटाना होगा, बीजेपी को तो मौका नहीं देना होगा, तो विकल्प की राजनीति नहीं होगी, तो आम आदमी पार्टी भी विकल्प में पैदा हुआ बीजेपी कांग्रेस का, और असम गण परिषद भी कांग्रेस का विकल्प भी असम में बना था, झारखंड में विकल्प की राजनीति बनेगा और युवाओं के हाथ में बागडोर होगा, कौन छूटेगा, कौन हटेगा, वो बात की बात है। ये अपील में सभी युवा एकजुट हो और एक साथ चलो, एक साथ बोलो, यही मेरा अपील है। तीसरा मोर्चा जो है ना, आप बना रहे हैं, तो तीसरा मोर्चा में जो बाहरी भीतरी भाषा का बवाल, तो ये तीसरा मोर्चा पूरे झारखंडियों को लेके चलेगा या फिर बाहरी भीतरी का मुद्दा भी होगा, बिहारियों को भगाओ, भोजपुरी हटाओ, मगही हटाओ, ये सब भी बातें करेंगे? भारत के नागरिकता डोमिसाइल नीति आर्टिकल 5 में है, इसके आधार पर धर्म का विवाद नहीं होगा, जाति का विवाद नहीं होगा, बाहरी भीतरी नहीं होगा। यहाँ किसी भी भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, ये बिहार का बेस का है, यहाँ का झारखंडी 9 भाषा का ही अस्तित्व खत्म है, तो यहाँ पर भोजपुरी और मगही भाषा का सवाल ही नहीं आता, जिसका विरोध चल रहा विरोध होगा। ये आंदोलन से बिहारी भगाओ, अब बाहरी भगाओ कतई नहीं होगा,
यहाँ भारत का नागरिक है, रहेगा, खाएगा, बिजनेस करेगा, स्कूल चलाएगा, हॉस्पिटल चलाएगा, ठेकेदार बनेगा, जो करेगा अपना। लेकिन इस बार की लड़ाई में खतियान ही आखिरी डंडा होगा, मेन चाबी की होगा, जो खतियान के आधार पर नौकरी, खतियान के आधार पर ठेकेदारी, खतियान के आधार में सारे सुख सुविधा, चुनाव का टिकट, बिना खतियान का चुनाव लड़ने का हमको लगता है, सुझाव दे रहा हूँ, युवा शक्ति तीसरा मोर्चा जो बनेगा, जिसका खतियानधारी वो होगा सत्ताधारी। तो बिहारियों को सम्मान मिलेगा कि अपमान होगा? संविधान में नहीं है, लेकिन बात ये है, हम बोल रहे हैं, तो झारखंड सबके लिए है क्या? पूरे भारत देश में आर्टिकल 3 में द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट किस आधार पर देश में राज्यों का बंटवारा हुआ? नहीं नहीं, चुनाव क्यों लड़ेगा? यहाँ भी लड़ेगा, वहाँ लड़ेगा, चुनाव आयोग का नियम नहीं है। चुनाव एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, एक जगह नियम है। आप बिहार में भी लड़िएगा, यहाँ बिहार, यूपी में भी, इसे कई उदाहरण है। सरजू राय का पोतू हो जो है वहाँ चुनाव लड़ गया, और सरजू राय यहाँ मंत्री रहा है, आज भी निर्दलीय MLA है। ये दोहरी नीति की राजनीति होगा, यहाँ पे कौन बर्दाश्त करेगा? संविधान अधिकार दिया है कि नहीं लड़ने का? आप जाइए ना बिहार में, बोल दीजिए भोजपुरी में, दिल्ली में बोल दीजिए, 1 करोड़ बिहारी आए वहाँ, महाराष्ट्र में बोल दीजिए, ये सब तर्क बेतुका बात है। हमारा कहना है झारखंड झारखंडियों के लिए प्रायोरिटी है, उसका भाषा, उसका संस्कृति, उसका रोजगार प्रायोरिटी है। बंगाल बंगाली का प्रायोरिटी है, भाषा, संस्कृति, सारा चीज। तो गुजरात गुजराती का है, आज भी नीतीश कुमार बोलता है बिहार में उसी को शिक्षक मिलेगा जो बिहार के मूल का है, उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार का, यहाँ सबको मिलेगा, झारखंड सबके लिए बना। नहीं, लेकिन भाषा और बिहारियों पे, मैथिलियों पे जो विवाद है, तो हम आपको जोहार करते हैं, भोजपुरी में कहते हैं कि रूबा के प्रणाम करते हैं, बंगाली में बोलते हैं कि नमस्कार पहुंची, पंजाबी में बोलते हैं कि सत श्री अकाल, तो इसको स्वीकार करेंगे, इसको सम्मान देंगे? उनको सम्मान देंगे, लेकिन यहाँ पे जो खतियान है उनके साथ संवाद हो रहा है, खतियानी जोहार हो रहा है, केवल खतियानधारी आपस में खतियानी जोहार, ससरीगाल पंजाबी से चलेगा, अदाब मुसलमान से चलेगा, सबसे नमस्कार बंगाली से चलेगा, लेकिन हमारा झारखंड में हमारा राज झारखंडी का चलेगा। तो भोजपुरी में एक बार नहीं बोलते कि रुबा के नमस्कार? अरे रुबा के नमस्कार वो बोले, हम भी बोलेंगे, लेकिन हमारा भी मुंडा में कोई रुबा के नमस्कार बोल दे, मुंडारी बोलते हैं, यहाँ पे तो सभी लोग बोलते हैं जोहार जोहार। जोहार बोलने से नहीं होगा, मुंडारी बोल देना, मुंडारी कंप्लीट कर देना, मुंडारी में पास करे ना, संताली में पास करे ना, हो गया, वहीं पर अटक जाएगा। चलिए।